मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पोहरी विधानसभा क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के बाद शुक्रवार रात पुराने कब्रिस्तान में 6 ईवीएम मिलने से सनसनीखेज मामला सामने आया है। शिवपुरी के पोहरी विधानसभा क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के बाद रात पुराने कब्रिस्तान में 6 ईवीएम मिलने से कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने देर रात अपने एक्स हैंडल से मौके के वीडियो के साथ पोस्ट किया, जिस पर उन्होंने लिखा कि क्या निर्वाचन आयोग इसका संतोषप्रद जवाब देगा। शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा में पुराने कब्रिस्तान से हमारे जांबाज पार्टी के मित्रों ने 6 ईवीएम जब्त की। ये मशीनें यहाँ कैसे पहुंची, या सरकार ही कब्रिस्तान जा रही है? पार्टी प्रत्याशी कैलाश कुशवाहा और पार्टी मित्र कह रहे हैं कि जद्दोजहद मजबूर और निकम्मे प्रशासन के पास अब कोई जवाब नहीं है। बताया जा रहा है कि कब्रिस्तान से मशीन मिलने की सूचना पर मौके पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी पहुंचे, पड़ताल शुरू की। यह मशीनें यहां कैसे पहुंची, सीरियल नंबर मिलान से पता चला कि यह मशीनें ही किसी मतदान केंद्र पर उपयोग हुई थी कि नहीं। पोहरी विधानसभा क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, समर्थक मंत्री सुरेश राठखेड़ा भाजपा के प्रत्याशी हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पोहरी विधानसभा क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के बाद शुक्रवार रात पुराने कब्रिस्तान में 6 ईवीएम मिलने से सनसनीखेज मामला सामने आया है। शिवपुरी के पोहरी विधानसभा क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के बाद रात पुराने कब्रिस्तान में 6 ईवीएम मिलने से कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने देर रात अपने एक्स हैंडल से मौके के वीडियो के साथ पोस्ट किया, जिस पर उन्होंने लिखा कि क्या निर्वाचन आयोग इसका संतोषप्रद जवाब देगा। शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा में पुराने कब्रिस्तान से हमारे जांबाज पार्टी के मित्रों ने 6 ईवीएम जब्त की। ये मशीनें यहाँ कैसे पहुंची, या सरकार ही कब्रिस्तान जा रही है? पार्टी प्रत्याशी कैलाश कुशवाहा और पार्टी मित्र कह रहे हैं कि जद्दोजहद मजबूर और निकम्मे प्रशासन के पास अब कोई जवाब नहीं है। बताया जा रहा है कि कब्रिस्तान से मशीन मिलने की सूचना पर मौके पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी पहुंचे, पड़ताल शुरू की। यह मशीनें यहां कैसे पहुंची, सीरियल नंबर मिलान से पता चला कि यह मशीनें ही किसी मतदान केंद्र पर उपयोग हुई थी कि नहीं। पोहरी विधानसभा क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, समर्थक मंत्री सुरेश राठखेड़ा भाजपा के प्रत्याशी हैं।